अभी हम लोग एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि रबर के मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो 1 रुपये में 2 रबर ज़्यादा मिलते हैं, तब अभी 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या। यानी सवाल ये कह रहा है कि अगर 25% दाम कम हो जाए तो किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 2 रबर ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर दाम कम न हुआ हो तो अभी कितना मिलेंगे। बिना पेन उठाए हम ऐसे सोच लेते हैं कि अगर 25% दाम अगर कम होगा तो कितना दाम कम होगा, तो 25 पैसा, ये हम लोग ओवरली सोच सकते हैं। और फिर ये कह रहा है कि 25 पैसे में क्या मिलेंगे, 2 रबर ज़्यादा मिलेंगे, तो बस हमारा सवाल ख़त्म। अगर 25 पैसे में 2 रबर मिलेंगे तो 1 रुपये में 8, तो अगर 1 रुपये में 8 रबर तब मिलेंगे जब दाम 25 पैसा कम हो जाए या 25% कम हो जाए। अगर कम हो जाएगा तो 8 मिलेगा और नहीं कम हुआ तो 6 मिलेगा, तो अभी कितने मिल रहे होंगे, 6, और अगर दाम कम हो जाएगा तो 8 मिलेगा। सवाल में कुछ नहीं है, एकदम ईजी सवाल। यदि आपको मेरा ट्रिक्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।